बस जैसे कहते हैं ना कि ईद की शॉपिंग है और ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए थी, उसी तरह आज हमारी ईद की जो है वो परचेजिंग हो रही है, तो इस वजह से हम ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। अरे बस ये तकरीबन हो गए हैं 20 कमर्शियल लोड हो गए हैं और इसके ऊपर मेरे ख्याल में 4 या 5 कमर्शियल मज़ीद इसके ऊपर लोड होने हैं। ये इस जगह पर 1, 2, 3, 4 और 5। अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका अपना हाशमी और आप देख रहे हैं अता हाशमी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का व्लॉग मैं अपने ऑफिस में आकर स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि आपको पहले मैंने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं डेली जो है वो लोडर भेजता हूं जिसमें 10 कमर्शल आते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह मैं जो है वो हाईलक्स डाला जो है वो भेज रहा हूँ प्लांट पर गैस भरवाने के लिए। लोडर के अंदर 10 कमर्शियल आते हैं और हाईलक्स डाला के अंदर 25 कमर्शियल आते हैं, तो मैं 25 कमर्शियल इसलिए जो है वो परचेज़ कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि आगे ईद उल अदहा आ रही है, तो उसके लिए मैं 25 कमर्शियल जो है वो उठा रहा हूँ। और हो सकता है कि 25-25 के 2 चक्कर मैं लगवाऊँ डाले को। क्यों? इसलिए कि ईद का सीज़न है और हो सकता है कि प्लांट जो है वो तकरीबन 3-4 दिन ईद से 1 दिन पहले और ईद के 3-4 दिन बाद तक बंद रह सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास गैस जो है वो शार्ट ना हो, तो इस वजह से आज मैं जल्दी दफ्तर में आ गया हूं और मैंने कहा कि आज जो है वो डाला भेजता हूं। तो आज तारीख है 26/6/2023 और टाइम हो रहा है 9:05 और मौसम की सूरत हाल आपको यहाँ पर बताता चलूँ तो गूगल ने रात को बताया था कि सुबह 5, 6, 7 बजे बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, अलबत्ता आंधी चली हुई हमारे यहाँ पे। आप बाहर चेक कर सकते हैं दरख्तों के पत्ते जो हैं वो हिल रहे हैं, आंधी चली हुई है। सुबह से आंधी चली हुई थी तो मेरे ऑफिस का क्या हाल है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, आंधी की वजह से ना ये सारी जो है ना वो धूल और मिट्टी आ गई है मेज़ के ऊपर। अभी अतियब आता है तो उसको कहूँगा कि सफाई करे इसकी। और आज का ज़बरदस्त व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल अता हाशमी के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का ज़बरदस्त व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स, मेरे पास 5 कमर्शियल बकाए रह गए हैं, तो इसलिए आज ना मैं हाईलक्स डाला भेज रहा हूँ 25 कमर्शियल, और हो सकता है कि 25 कमर्शियल और भी भेज दूँ ताकि 50 कमर्शियल हो जाएँ और मेरा जो ईद का सर्कट है ना वो सुकून से चल जाए। व्यूअर्स, हाईलक्स डाले वाले को मैंने कॉल की थी, अल्लाह आपका भला करे, 8 बजे, और उसने कहा था कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ना आपके पास पहुंच जाऊंगा, और अभी आप टाइम चेक कर सकते हैं 9:07 हो गए हैं और अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं उसको दोबारा कॉल करता हूं। व्यूअर्स, बार बार मैं डाले वाले को कॉल कर रहा हूँ और उसका नंबर जो है वो मसरूफ जा रहा है, पता नहीं किसके साथ लगा हुआ है। इतना लंबा मसरूफ। बार बार कॉल्स कर रहा हूं और अब उसने मेरा नंबर ही मसरूफ कर दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर तक आ जाए। A few moments later. बल्कि तू इन करें निशान, पहले तू लदवा जा, तू ना लगे मान जिंदे, पहले तू लदवा जा। चार हमारे हाईलक्स डाले वाला भी आ गया, तू सा चार चार लदवाओ। ठीक हो गया।
पड़े पैसे ना लुगा 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 मतलब बुझे दी व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह जो कमर्शियल सिलेंडर की लोडिंग होती है ना वो किस तरह कितनी मुश्किल होती है, आप ये चेक कर सकते हैं और किस तरह खतरनाक लोडिंग हो रही है हाइलेक्स डाला के अंदर। व्यूअर्स यहां से लोडिंग हो गई है कंप्लीट, अब जो ये रिमेनिंग जगह है ना डाला के अंदर अब इसको फिल करेंगे अपने ऑफिस में जाके, वहाँ से जो है वो बकाया सिलेंडर है वहाँ से जाके फिल करेंगे। हमारे कमर्शियल सिलेंडर इस दुकान के ऊपर इस शॉप के ऊपर जितने पड़े थे वो हमने लोड कर लिए और बकाया जो जगह बची है वो हम अपने ऑफिस में जाके सिलेंडर यहाँ इसमें लोड करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह दोबारा हाइलेक्स डाला हमारे ऑफिस में पहुँच गया, वहाँ से जो लोड हुए थे उसके बाद अब यहाँ से ऑफिस से लोड करवानी है। उस्ताद जी पल्ले थड़े सामने पहले ले के देख चा बोलो थोड़े कटेदार। ठीक है थोड़ा ठीक है बस। व्यूअर्स जैसे कहते हैं ना कि ईद की शॉपिंग है और ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए थी, उसी तरह आज हमारी ईद की जो है वो परचेजिंग हो रही है तो इस वजह से हम ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं। छोटे सारे ला के ना छोटा नहीं बला बैठा पल्ले सा पर हाथ रखे आप जमीन तू ना करो तू दुकान दिवान पट्ठा करके चला। फसल खींचे फसल की बुदा था बंदा 50 रुपये किलो ही हाँ भैया खींचा खुदा तो बनता तू बेहतरीन भाजन थे सारा पीछे कितने आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गए 20 ते 4 ए लड़ने ना 21 थी वैसे ते 4 उत्ते बै लड़ने सुमा में ये तकरीबन हो गए हैं 20 कमर्शियल लोड हो गए हैं और इसके ऊपर मेरे ख्याल में 4 या 5 कमर्शियल मजीद इसके ऊपर लोड होने हैं। ये इस जगह पे 1, 2, 3, 4 और 5 मजीद लोड होने हैं। A few moments later. माशाल्लाह व्यूअर्स शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि गाड़ी गई भी है
और वापस भी आ गई है, खैर खैरियत से गई है और खैर खैरियत से वापस आ गई है। आला, जो गैस मैंने फिल करानी थी वो जो है वो करवा ली है। आज दूसरा लोड नहीं भेजा, मेरा इरादा बन रहा है कि आज नहीं भेजता, कल भेजूंगा। क्यों हो सकता है? इसलिए कि 10-20 रुपए मजीद रेट जो है वो डाउन हो कल। वैसे तो ईद उल अदहा है, जो है वो चांस लगते नहीं है, लेकिन लेकिन हो सकता है कि 10-20 अगर जो कल रेट डाउन हो तो उससे जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आज गाड़ी गई भी है माशाल्लाह और वापस भी आ गई है, और सिर्फ पेमेंट लगवानी है ऑनलाइन। कुछ जो है वो बैंक में लगवा दिए हैं अतियब ने, और कुछ जो है वो लगवानी है 5 से पहले पहले, ताकि मैं जो पेमेंट है वो जो है वो ऑनलाइन को करवा सकूँ प्लांट के ऊपर, अपनी शाहीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के ऊपर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:17, यानी कि असर का टाइम हो रहा है, और नहा धो के कपड़े चेंज किए मैंने और असर की नमाज़ पढ़ी है, और मैंने कहा कि जो है वो आपके साथ दोबारा से बात करूं। व्यूअर्स, रात टाइम यानी कि 26 जून की रात को गूगल ने जो है वो प्रेडिक्ट किया था कि 26 की सुबह 6-8 बजे जो है ना वो बारिश होगी, यानी कि तकरीबन 60-70% गूगल ने कहा था कि बारिश होगी, लेकिन आज सुबह बारिश नहीं हुई। ये गूगल की प्रेडिक्शन जो थी कि बारिश होगी ये गलत हुई है, और गूगल ने साथ ये भी बताया था कि तकरीबन 5°C जो है वो 25 की नस्बत 26 वाला दिन जो है ना वो ठंडा होगा। तो वाकई 5°C आज वाला दिन जो है ना वो ठंडा था, और इस वक्त भी गूगल ने प्रेडिक्ट किया, यानी कि 1-2 घंटे पहले मुझे मैसेज आया हुआ था गूगल का कि एक्सपेक्टेड है कि 7 बजे जो है वो बारिश हो मनकेरा के अंदर। लेकिन आपको यहाँ बताता चलूँ कि मौसम की सूरत हाल भी कि लग ऐसे रहा है कि बारिश होगी। ये आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि बादल वगैरह आए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, हर तरफ जो है ना बारिश का साज समा लगता है। लेकिन ये है कि मौसम जो है ना वो कल की नस्बत आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कूल हो गया है, और मज़ीद अगर अल्लाह करे बारिश हो जाती है तो मज़ीद भी जो है वो मौसम कूल हो जाएगा। और सुबह मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो ईद की परचेजिंग कर ली है, यानी कि स्टॉक जो है वो हाफ़ फिल करवा लिया है गैस, यानी कि मैंने ले ली है, और हाफ़ इंशाल्लाह कल लूँगा। उम्मीद काफ़ी है कि जो है वो कल मार्केट 10-20 कम होगी। आज भी एक ग्रुप के अंदर एक भाई ने मैसेज किया है कि जो हमारी CP अनाउंस हुई है ना, CP बेसिकली एक कंपनी है सऊदी अरामको, वो CP अनाउंस करती है, तो उसने CP अनाउंस कर दी है ईद की छुट्टियों की वजह से। आज यानी कि 26 जून को उसने 1 जुलाई के लिए जो है वो CP अनाउंस कर दी है, जुलाई के महीने के लिए, जुलाई 2023 के लिए CP अनाउंस कर दी है। तो CP उसने जो जून के महीने के लिए अनाउंस की थी उससे तकरीबन $59 CP जो है वो डाउन है। तो इसलिए वो भाई बता रहे थे कि हो सकता है जो जुलाई के महीने में जो है वो गैस के रेट जो है मज़ीद डाउन हो, तो इस वजह से अब परचेजिंग भी देखभाल के करनी है, इस तरह ना हो कि ज़्यादा परचेजिंग कर लूँ और मुझे जो है वो गले पड़ जाए और मुझे अल्लाह ना करे नुकसान उठाना पड़े। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कुछ सूरत हाल जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं। तो आज का ज़बरदस्त व्लॉग यहीं पे करता हूँ एंड, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये है मेरा चाचा इलियास।